अब हम बात करते हैं ज़ूफ़्लैजिलेट्स। ज़ूफ़्लैजिलेट्स को ज़ूफ़्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फ्लेजैला लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं और ये लोकोमोशन जो है वो एनिमल लाइक फीचर है, इसलिए हम इनको ज़ूफ़्लैजिलेट्स कहते हैं। तो बेटा इसमें हम तीन बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो इनकी बॉडी फॉर्म पर, आइए हम देखते हैं बॉडी कैसी होती है। दूसरा, हम इनके किस तरह से ये फूड हासिल करते हैं और इनका लाइफस्टाइल क्या होता है, ये तीन बातों पर हम फोकस करते हैं। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी किस तरह से होती है। मोस्टली यूनिसेलुलर जानदार होते हैं ये। बॉडी इनकी स्फेरिकल यानी राउंड या इलोंगेटेड होती है। इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और इनकी बॉडी में लोकोमोशन के लिए फ्लेजाला जो कि विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। फ्लेजाला बेटे जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन बेटा जो है वो मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़हन में रखिएगा। बैक्टीरिया के फ्लेजाला और प्रोटिस्टा के फ्लेजाला दोनों में डिफरेंस होता है। बैक्टीरिया के जो फ्लेजाला है वो फ्लेजेलिन प्रोटीन से बनते हैं, जबकि प्रोटिस्ट के जो फ्लेजाला हैं वो माइक्रो ट्यूब्यूल से बनते हैं और इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। और सिलिया और फ्लेजाला जो है इन दोनों में जो अरेंजमेंट होती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स की वो 9 सेट अतराफ में होते हैं। 9 डुपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर अरेंज इन पैरिफरी, जबकि 2 जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं। तो फ्लेजैला जो है लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि साइज़ में बड़ा होता है, तादाद में कम होते हैं, जबकि जो सिलिया होते हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, साइज़ में कम होते हैं। फ्लेजैला की जो मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि अमूमन एक फ्लेजैला ही होता है। लेकिन सिलिया की जो मूवमेंट होती है वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। आइए अब हम इनकी बात करते हैं कि ये खुराक कैसे हासिल करते हैं। इनका खुराक हासिल करना डिपेंड करता है कि ये किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो तीन तरह से इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट आर सिम्बायोटिक ज़ूफ़्लैजिलेट, व्हाट आर पैरासाइटिक ज़ूफ़्लैजिलेट, व्हाट एंड व्हाट आर कोनोफ्लैजिलेट्स। बेटे तीनों क्वेश्चन आप नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए अब इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जी, सिम्बायोटिक ज़ूफ़्लैजिलेट में ट्राइकोनिम्फस बेटे है, आप इसमें देख सकते हैं कि बेटे ये टर्माइट जो है ये एक इंसेक्ट है और इसकी गट में, इसकी खुराक की नाली में अल्लाह ताला ने इस ट्राइकोनिम्फस को रखा है। दीमक की खुराक की नाली में अल्लाह ताला ने इसको रखा है और दीमक बेटे जो है वो लकड़ी को चाटता है, लकड़ी खाता है, लेकिन उसको हजम नहीं करता क्योंकि उसके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, जबकि ट्राइकोनिम्फस के पास सेलुलेज एंजाइम होता है और ये डाइजेशन करता है सेलुलोज की, उससे जो ग्लूकोज बनता है उसको टर्माइट और ट्राइकोनिम्फस दोनों ही इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटे यहाँ पर याद रखिएगा कि सिम्बायोटिक ज़ूफ़्लैजिलेट का नाम क्या है, ट्राइकोनिम्फस, इंपॉर्टेंट MCQ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैरासाइटिक ज़ूफ़्लैजिलेट, ट्राइपैनोसोमा। बेटा ये इस जरासीम को एक मुतासर शख्स से एक हेल्दी बॉडी में मुंतकिल करने के लिए एक बायोलॉजिकल वेक्टर रिक्वायर होता है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, उसको सेस्से फ्लाई कहते हैं, जो एक सेहतमंद शख्स की बॉडी में एक मुतासर बॉडी को काट कर जरासीम लाती है और हेल्दी बॉडी में मुंतकिल कर देती है। और इस तरह से इस बीमारी में दिन के वक्त भी जो पेशेंट होता है, मुतासर शख्स होता है, उसकी बॉडी में सेडेशन होती है। सो इस पैरासाइटिक सिम्बायोटिक का नेम है, सॉरी पैरासाइटिक ज़ूफ़्लैजिलेट का नेम है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैन, तो इम्पोर्टेंट MCQ भी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर कोनोफ्लैजिलेट्स, अब बेटा इसमें देख सकते हैं एक स्टार्क स्ट्रक्चर है, उस पर बहुत सारे सिंगल सेल्स, ये एक सिंगल सेल एक कोनोफ्लैजिलेट है। यहाँ पर फ्लैजेला में एक कोलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कोलर की जो प्रेजेंस है बेटे, ये फाइलम पोरीफरा के जानदारों को स्पॉन्ज कहा जाता है,
उनमें भी कोलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस कोलर की प्रेजेंस की वजह से यूं लगता है कि जैसे फाइलम पोरीफरा के जानदार यानी स्पॉन्जेस जो हैं वो इसको एनोफ्लैजेलेट से ही इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट सिलिएट्स। सिलिएट्स सिलिया रखने वाले जानदार जिनमें लोकोमोशन के लिए सिलिया होते हैं। मैं लास्ट स्लाइड में भी बेटे आपको बता चुका हूँ ये सिलिया क्या होते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं, बाल की तरह छोटे होते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। सिलिया का जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ये मुश्तमिल होते हैं और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो दोनों में एक जैसी होती है। 9 ड्यूपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज एट पेरीफ्री और 2 सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इसके सेंटर में पाए जाते हैं। तो 9+2 इसका सीक्वेंस होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पेलिकल है। व्हाट इज पेलिकल, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको भी 1 by 1 भी देखते हैं। तो पहला जो है वो सिलिएट्स है। पहला है व्हाट आर फीचर्स ऑफ सिलिएट्स, एक क्वेश्चन ये है। व्हाट इज पेलिकल और व्हाट इज यूनिक फीचर ऑफ सिलिएट्स, यूनिक फीचर बेटे इसमें न्यूक्लियाई होते हैं जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट स्टाइल से पूछा जाता है, हम उसको भी अभी देखेंगे उसकी बात में। सो पहले हम पेलिकल की बात करते हैं। पेलिकल बेटे क्या है, जानदार की बॉडी के बाहर एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है। बहुत पतली बारीक 3 लेयर होती है जो कि बॉडी को एक ख़ास शेप प्रोवाइड करती है, जो कि शेप इसकी चेंज भी कर सकती है। पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है। इसमें बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल हुई होते हैं जिनको हम सिलिया कहते हैं, और सिलिया की जो मूवमेंट होती है वो बड़े एक ग्रुप की सूरत में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जिससे सिलिया आगे भी जाते हैं पीछे भी आते हैं, अपना रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं। सारे के सारे सिलिया मूव नहीं करते, बहुत सारे सिलिया ऐसे होते हैं जो एक जगह पर जुड़े रहते हैं। अब इनकी खुराक खुद पानी इन तक आता है तो उस पानी में से अपनी खुराक को निकाल लेते हैं। मोस्ट सिलियस जो है वो बैक्टीरिया को और दूसरे प्रोटीज को इंजेस्ट करते हैं अपनी खुराक के तौर। फीचर्स में आए तो इनका बेटा जो यूनिक फीचर है वो इनमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि फ्रेश वाटर सिलियट्स में पाया जाता है, वाटर की मिकदार को कंट्रोल करता है। तो बेटे मैंने अभी क्वेश्चन बताया था आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो न्यूक्लियाई का प्रेजेंट होना है। 2 तरह के न्यूक्लियाई बेटे पाए जाते हैं इनमें, माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। 2 किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं, एक या एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। छोटे न्यूक्लियाई जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड किसे कहते हैं, अगर बेटे क्रोमोसोम के एक सेट में एक क्रोमोसोम हो तो उसको हैप्लॉयड, अगर एक सेट में 2 क्रोमोसोम हो तो डिप्लॉयड, अगर एक सेट में 3 क्रोमोसोम हो तो ट्रिप्लॉयड, अगर इससे ज़्यादा हो तो पॉलीप्लॉयड कहते हैं। ये बॉडी में सेक्सुअल प्रोसेस को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जो प्रोसेस एक कॉन्जुगेशन की सूरत में होता है जिसमें 2 सिलिएट्स आपस में जुड़ते हैं, एक डोनर और एक रेसिपिएंट होता है। एक जानदार से कुछ जेनेटिक मेकअप दूसरे में दाखिल होता है, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर न्यूक्लियस जो कि बेटे साइज में बड़ा है, तादाद में 1 है और इसको हम पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस होता है क्योंकि इसके एक सेट में क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा होती है, बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो बेटा इसमें से ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इम्पोर्टेंट था जी। आज के लिए इतना ही, इसमें बेटे को क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।